इंस्टीट्यूट ऑफ मार्शल आर्ट एंड वुमेन्स वर्कआउट जिम का शुभारंभ किया गया। इंस्टीट्यूट का शुभारंभ मुख्य अतिथि शहर के डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव एवं गया के भूतपूर्व विधायक डॉक्टर जुगल किशोर ने फीता काटकर किया। वहीं ट्रेनर नरेश कुमार ने बताया कि यहां बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, कराटे, ताइक्वांडो, जिम्नास्टिक एवं महिला को वर्कआउट सिखाया जाता है। साथ ही आज बच्चों को डेमो कर दिखाया गया, जिससे बच्चे काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। बिहार के लिए गया से आशीष कुमार की रिपोर्ट। मोड़ गया स्थित, जैसा कि आप देख रहे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ मार्शल आर्ट्स अकादमी नरेश जी द्वारा खोला गया है। इसमें बच्चों के बारे में, युवाओं के बारे में, सेहत के ध्यान से आगे उसका शरीर पूरी तरह मजबूत हो और निरोग रहे और स्वस्थ रहे, इस दृष्टिकोण से जिम्नास्टिक, कराटे का, भिन्न भिन्न तरह का यहाँ पर इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षण दी जाती है। काफ़ी बच्चे लोगों ने अपना प्रदर्शन भी दिखाया, कई ट्रेनर भी हमारे जी जुगल जी, कुलदन जी, ये सब लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। NGO के लोग भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी, स्वस्थ रहने के लिए, शारीरिक रूप से मजबूत रहने के लिए, निरोग रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए और मजबूत रहने के लिए ये सब कारगर कदम और इसका देश और दुनिया में बृहद पैमाने पर विस्तारित है। गया में भी इसकी कई जगहों पे पहले से भी कार्यक्रम और इंस्टीट्यूट चल रहा है, उस कड़ी में नरेश जी द्वारा ये जो खोला गया है काफ़ी सराहनीय है। हम लोग इनका प्रशंसा करते हैं। बच्चों को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए अब पार्ट टाइम में उनका मेंटली माइंड को फ्रेश रखने के लिए यह काफ़ी कारगर है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। मार्शल आर्ट्स एंड वुमेन्स वर्कआउट एकेडमी आज इसकी शुभारंभ हुई है चांद चौरा जुगल किशोर जी के पेंडिंग में। आज हमारे चीफ गेस्ट श्री मोहन श्रीवास्तव जी, जो हमारे गया शहर के डिप्टी मेयर हैं, उनको उनके हाथों के द्वारा आज इस इंस्टीट्यूट की आज ओपनिंग को हुई है। यहाँ पे तरह तरह के मार्शल आर्ट सिखाए जाते हैं, जैसे कराटे, ताइक्वांडो, जिम्नास्टिक, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, रेसलिंग और MMA यानी मिक्स मार्शल आर्ट। ये अपने तरह में एक कम्प्लीटली जिम है, सारे एक्सेसरीज के साथ में जिम्नास्टिक की पूरी व्यवस्था है यहाँ पे है। बच्चों को चोट ना लगे इसके लिए 90% नो प्रिकॉशन के सहित में यहाँ पर किया गया है, जो मोटे मोटे गद्दे लगाए गए हैं जो किसी भी तरह से इंजुरी ना हो। और यहाँ से बहुत सारे बच्चे अपने गांव के और अपने गया शहर के मान सम्मान बढ़ा चुके हैं, बाहर के देशों में जाकर वो अपने शहर के लिए गोल्ड जीत चुके हैं। और आने वाले समय में चांद चौरा और गया शहर वासी जितने भी यहाँ पे बच्चे युवाओं हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आए और अपना ये सनातनी खेल है। ये खेल ऐसा नहीं कि विदेशों का खेल है, ये हमारी खुद की अपनी सनातनी परंपरा का खेल है और ये महाभारत काल से ही हमारी शस्त्र विद्या चलते चली आई है। लेकिन दुर्भाग्यवश आज ऐसी हो गई है कि हमारे बाहर के देशों में इसकी लोकप्रियता ज़्यादा बढ़ गई है और हमारी देशों में इसकी लोकप्रियता कम हो गई है। तो मैं सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आए और अपने सेल्फ डिफेंस, अपने आप को सुरक्षा करें और पग पड़ने पर अपने देश के लिए भी